बात करेंगे लवली इनू कॉइन की। लवली इनू कॉइन के होल्डर जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, 25,000 होल्डर हो चुके हैं। कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड हुआ ये कॉइन, लिस्टिंग इसकी हो चुकी है CMC के ऊपर। अब यहाँ पे CG की लिस्टिंग भी जल्दी ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टिंग का एक फ़ायदा तो मिला, यहाँ पे होल्डर इंक्रीज ज़रूर हो रहे हैं, 25,000 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। और साथ के साथ एक अपडेट और आई थी रिसेंटली लवली इनू को लेके कि सर्टिक ऑडिट, उसको लेके अपडेट आई है ऑडिट को लेके, वो भी आपने चेकआउट कर ली होगी ज़रूर। ट्विटर अकाउंट पे या टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़, एक पॉजिटिव चीज़ क्या देखने को मिली है, जब से CMC पे लिस्टेड हुआ है प्राइस में भले ही आपको ज़्यादा गेन नहीं देखने को मिले होंगे, लेकिन होल्डर इंक्रीज हो रहे हैं। होल्डर इंक्रीज होना भी एक पॉजिटिव साइन है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा होल्डर होंगे उतना बढ़िया एक सपोर्ट रहेगा क्रिप्टो करेंसी का, सपोर्टर्स रहेंगे। तो कहीं ना कहीं लवली के होल्डर बढ़ते हुए, और अब जल्दी ही आपको बैक टू बैक लिस्टिंग्स दिखने वाली हैं अक्टूबर के महीने में। कहीं ना कहीं अब जो 5 प्रोजेक्ट हैं, अब टाइम आ गया उन 5 प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाए। लवली एक्सचेंज, लवली स्वैप, लवली मल्टी कॉइन वॉलेट, ये सब चीज़ों पर काम किया जाए और इन सब चीज़ों को ले के आया जाए। अब इस 2.5-3 महीने के अंदर सारा का सारा काम इन 5 प्रोजेक्ट पे होने वाला है, और साथ के साथ लिस्टिंग्स, यही सब चीज़ें हैं। और जो जो नए नए लॉन्च पैड से टोकन है, वो एक आधा टोकन और भी लॉन्च हो सकता है, जैसे डॉक्टर स्कल आया, HYDS आया। तो अब टाइम आ गया है कि $1 के लेवल के लिए कुछ काम थोड़ा तेज किया जाए, क्योंकि $1 के लिए सिर्फ टाइम रह गया है 2.5 महीने का। अक्टूबर भी यहाँ पे 20 days अक्टूबर के रह चुके हैं, और नवंबर दिसंबर ही मेन रहेगा। नवंबर दिसंबर में, दिसंबर के एंड तक तो $1 तक लेके जाना है, और देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि $1 तक ये जाएगा या नहीं जाएगा। एक्शन बताएंगे नवंबर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अभी अक्टूबर के जो दिन बचे हैं उसमें क्या क्या होता है सब पता चल जाएगा। अगर काम सही और तेज हुआ ना, तो समझ लो कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में लवली इनू कॉइन जा रहा है। और अक्टूबर में अभी सिर्फ एक ही लिस्टिंग हुई CMC के ऊपर, होल्डर इंक्रीज हुए, ठीक है। अभी 20 days हैं और सब चीज़ें देखेंगे क्या क्या होता है अक्टूबर में, फिर नवंबर में देखेंगे, फिर पता चलेगा कि क्या होगा दिसंबर में, $1 तक जाएगा या नहीं। और देखो, अगर ये चीज़ें होती हैं तो कभी भी एक बड़ा पंप आ सकता है, लेकिन $1 का जो लेवल है ना, जिस प्राइस पे अभी है, काफ़ी बड़ा गेन चाहिए, काफ़ी बड़ा। आप खुद नहीं सोच सकते $1 का लेवल कहाँ है और अभी जो प्राइस है वो कहाँ है। ₹1 तक भी पहुंचने में बहुत बड़ा गेन चाहिए, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इन चैलेंज को कैसे ये पार पाते हैं, मतलब चैलेंज कैसे दूर करते हैं इसको, और $1 तक कैसे लेके जाते हैं इस साल के एंड तक, यही देखने वाली चीज़ होगी। और जो 5 प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे उनको लेके अभी ज़्यादा कुछ अपडेट्स और नहीं हैं, उनको भी अपडेट्स आएंगी। अब मुझे लगता है वही सब चीज़ें ही हैं जो लवली को आगे लेके जाएंगी, क्योंकि लवली के खुद के प्रोजेक्ट्स ही लवली को आगे लेके जाएंगे। तो देखते हैं लवली इनू कॉइन का फ्यूचर कैसा रहने वाला है अक्टूबर में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैक टू बैक लिस्टिंग्स हो सकती हैं, और भी एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो सकती हैं, ठीक है। साथ के साथ प्रोजेक्ट्स को लेके अपडेट्स आ सकती हैं, आगे जो अपडेट्स रहेंगी लवली को लेके आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल ऑडिट को लेके अपडेट थी, होल्डर इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है CMC की लिस्टिंग का। अगर CG पे भी लिस्ट हो जाता है और साथ के साथ और लिस्टिंग, तो कहीं ना कहीं सही ट्रैक पे लवली चल रहा है। तो ऐसे में अगर देखें सब चीज़ें, अभी तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या क्या कुछ होता है लवली इनू कॉइन को लेके, और $1 का लेवल या 1 रुपी का लेवल लवली अचीव करता है या नहीं करता, ये टाइम बताएगा। तो आज इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे, आप खुद से भी अपनी नज़र बना के रखें लवली के ऊपर, जो जो अपडेट्स आगे रहेंगी सब शेयर करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।